देश के विभिन्न राज्यों में नए ट्रैफिक नियम लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में नए ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए एक माह का समय निर्धारित किया है। ये जानकारी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सरकार एक माह तक प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी। भारत सरकार द्वारा लाए गए नए मोटर वाहन एक्ट को हिमाचल प्रदेश में एक माह बाद लागू किया जाएगा। वाहन मालिकों को अपने दस्तावेज पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक अवसर प्रदान किया गया है। इस एक माह के दौरान लोगों को नए मोटर वाहन एक्ट के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। वन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन प्रदेश सरकार हिमाचल में एक माह के बाद इसे जारी करेगी। उन्होंने कहा कि एक माह तक प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि चालान और फाइन समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक जनता पूरी तरह से जागरूक नहीं होगी, तब तक ट्रैफिक नियमों को लागू करना बड़ी चुनौती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सके। व्हीकल एक्ट लाया है, तो इस एक्ट को अब हमने कहा एक महीने में इसका नोटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद तुरंत इसको लागू किया जाएगा। और उससे पहले हमने एक और बात कही कि हमारी कोशिश है कि हम हिमाचल प्रदेश को 0% चालान फ्री स्टेट करें, और उसके लिए रेगुलरली हम चाहते हैं कि अवेयरनेस भी चले और कल ऐसे हालात पैदा होने चाहिए, हमको चालान करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। तो इसलिए हम जन जागरण और सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारा एक्ट तो हमको लागू करना है, क्यों भारत सरकार ने लागू किया है, तो और एक्ट के मुताबिक जहाँ तक बहुत से फाइन बढ़ाए गए हैं, तो यानी फाइन और चालान करना वही समाधान नहीं है। और इसके लिए वो तो करना है, लेकिन साथ में यह है कि ना हो इस तरह से लोगों को हमको मेंटली प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।